अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्टाइल कॉर्नर। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक बार फिर से बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे से डिफरेंट स्टाइल के साथ स्कर्ट ड्रेसेस दिखाऊंगी। मेरी ड्रेसेस आप लोग देखेंगे, कुछ प्लेन डिज़ाइंस मैं आपको दिखा रही हूँ, कुछ प्रिंट के साथ, चेक प्रिंट के साथ, लाइनिंग के साथ मैं आपको डिज़ाइंस दिखा रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत से कलर्स हैं, डिज़ाइंस हैं, बहुत प्यारे से ड्रेसेस आप लोग आज की वीडियो में देख रहे हैं। ये देखें व्यूअर्स, बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइंस मैं आपको दिखा रही हूँ, तो वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा। और अगर आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलते रहें और हमारी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। ये देखें गर्ल्स, हेयर लेंथ मैं आपको दिखा रही हूँ, स्वेटर ड्रेस मैं आपको दिखा रही हूँ, बेल्ट डिटेलिंग के साथ आप डिज़ाइन देख रहे हैं, डिफरेंट स्टाइल में नेक डिज़ाइन आप लोग देख रहे हैं। ये देखें मेरी ड्रेसेस आपको मैं दिखाऊंगी इस वीडियो में, कुछ बटन्स के साथ हैं, बेल्ट के साथ हैं, पॉकेट्स के साथ हैं, क्वार्टर स्लीव्स, फुल स्लीव्स के साथ आप देख रहे हैं। सिंपल से और बहुत ही स्टाइलिश से ड्रेस और डिज़ाइन हैं व्यूअर्स, तो वीडियो जरूर एंड तक देखिएगा। मैं आपको अच्छी वीडियो में तकरीबन 30+ डिज़ाइन दिखाऊंगी, 35+ डिज़ाइन आप लोग देखेंगे। ये देखें ग्रे शेड में आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन। कुछ कलर ब्लॉक के साथ मैं आपको डिज़ाइंस दिखा रही हूँ, चेक प्रिंट में आप देख रहे हैं कुछ डिज़ाइंस। ये देखें बॉक्स प्लेट के साथ बहुत प्यारा सा ड्रेस आप देख रहे हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट्स भी कीजिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। वीडियो ख़त्म होने से पहले एक बार फिर मैं आप लोगों से कहूँगी कि अगर अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।